2019 में विपक्ष एकजुट होकर भाजपा को घेरने की योजना बना रहा है और इसकी एक झलक कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा चुनाव में देखने को मिली, जहां बीजेपी को विपक्ष के सामने हार का सामना करना पड़ा। इसी गठबंधन को देखते हुए भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष के गठबंधन को देखते हुए हमला बोला है और इस गठबंधन की तुलना खूंखार आरोपियों से करते हुए कहा कि यह दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं। पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि 2019 में मोदी को आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, चाहे विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि वो 2019 में सरकार बनाने से रोक ले। मोदी जी का काले धन और भ्रष्टाचार पर हमला करने की वजह से भारत का विपक्ष एकजुट हो गया है, जिससे साफ दिख रहा है कि विपक्ष देश को गलत राह पर ले जाना चाहता है, इसलिए ये लोग मोदी से चिढ़ते हैं और इनके फैसले को गलत साबित करने पर लगे रहते हैं। बता दें कि देश भर में 4 लोकसभा सीटों और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्ष ने एकजुटता को दिखाया है, जिससे विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा और इस महागठबंधन को साल 2019 के लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।